ओके और आईसीएक्स पर डायमंड और स्टील यहाँ पर कुछ हो रहा है या होने वाला है? बिल्कुल मित्र, पिछले हफ्ते हमने काफी वॉलेटिलिटी डायमंड में देखी थी। प्राइसेस में 3520 का लेवल देखने के बाद 3550-60 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है जिस ढंग से यूएस के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं तो कंजम्पशन थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए। टाइमिंग मुझे लगता है इसमें लेके चलना चाहिए, 3570 से 3580 तक के लेवल डायमंड में देख पाएंगे। वहीं अगर स्टील की बात करें तो स्टील में हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग पिछले हफ्ते में देखी थी। ऑलरेडी हमने काफी बड़ी रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, तो आई थिंक 32150 से 32200 का एक बेस बन जाएगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि 32000 के ऊपर स्टील काफी तेज है, जो अपसाइड में करीबन 32600 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक।